ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। छात्रों के पास आइए, बात करते हैं। ये टीटी 2011 पिछले 7 वर्ष से संघर्षरत है। हमारे लिए कभी प्रतिपक्ष ने कभी पक्ष ने लगातार आश्वासन दिया। हम आपके लिए प्रयासरत हैं, हम आपके लिए हर कार्य करने को सक्षम हैं। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया, हमारे लिए राज्य सरकार द्वारा भी बार बार हमारे लिए ये कहा गया कि हम आपको नियुक्ति देंगे, मगर वो नियुक्ति कब देंगे ये हमें आज तक नहीं बताया गया। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से पिछली 25/7/17 यानी कि 25 जुलाई 2017 को एक आदेश आया कि सरकार 72,825 जो वैकेंसीज हैं एकेडमिक बेस पर उसको भरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, वो कर सकती है, उसमें कोई भी बाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार उस लिबर्टी का दुरुपयोग कर रही है। हमारा 290 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। जब भी उनसे बात करते हैं लगातार हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। महेंद्रनाथ पांडे जी ने बोला, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला, जब ये सांसद थे फूलपुर से संसद में ये बात बोली कि आप चिंता ना करें, हमारी सत्ता आते ही राज्य में बीए टीटी 2011 हमारी जिम्मेदारी है। हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपका संपूर्ण समायोजन तक करेंगे, ये तक बात बोली। हमें नहीं चाहिए संपूर्ण समायोजन, हमें हमारा हेड तो दीजिए आप कम से कम। 72,825 जो हमारी वैकेंसीज है जिसके लिए हम संघर्षरत है, जिसके लिए प्रति कैंडिडेट हमने 35,000 रुपया जमा किया है, क्या हमारा उस पर हक नहीं है? आज तक किसी भी प्रकार से कोई भी जवाब हमको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं मिला है। हम जमीन गिरवी रख सकते हैं, हम तमाम प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं या बांटने के लिए कर सकते हैं इसका जवाब दिया जाए। आप लोगों का धरना चल रहा है जी, ये कब तक चलेगा? हम जब तक बैठेंगे जब तक क्या नाम है हमारी मांगों को मांग नहीं लिया जाएगा, चाहे हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार किया जाए हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे। मतलब 5 सालों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी क्या गलती है, क्या खतरा है जो सरकार हम लोगों को दरबदर की टोकरे दिला रही है? और जब हम लोगों ने अपने खेत जमीन गिरवी रख करके हमने फार्म अप्लाई किए हैं, जब और जो है हम लोग याची बने हैं कोर्ट में, तमाम पैसा हम लोगों को याची को खर्चे, उसका खमेरा कौन भुगतेगा? सरकार हम गरीबों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। हम पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार टहल रहे हैं, दरबदर फिर रहे, हमें क्या फायदा मिल रहा है? सरकार पर हमको ठोकरे दे रही है। आज हम आपके द्वारा माननीय योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि महाराज जी है, हम बीएटीटी 2000 से क्या गलती हो गई है? हम सभी बीएटीटी उनके चरणों में प्रणाम, सर रख के प्रणाम करते हैं कि महाराज जी हमारी गलतियों को क्षमा करें और हम सभी भाइयों को और बहनों को हमें नियुक्ति प्रदान करें। और हम लोग लीगल मांग कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भर्ती करने के लिए बोला है, लिबर्टी दे दी है, सरकार का विज्ञापन, सरकार अपना विज्ञापन बचाने सुप्रीम कोर्ट गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार स्वतंत्र है इस भर्ती करने के लिए, उसमें काउंसिलिंग में हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं जिस दिन वो काउंसिलिंग, लगभग 1200-1300 लड़कों ने काउंसिलिंग कराई है, वहीं से हमारी रुकी हुई प्रक्रिया पूरा पुनः चालू। अभी 19 तारीख को हाईकोर्ट ने भी 6 साल की जो ये मानसिक प्रताड़ना हमको मिल रही है इसके लिए गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? हम लोग धरना किए जा रहे हैं। मेरी स्थिति बिल्कुल जो है धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई है। सरकारें हमको परेशान कर रही हैं। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हम लोग अपने परिवारों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये मेरी पोजीशन हो गई है। इसलिए मुझे जो है मेरे गार्जियंस ने पढ़े लिखे बनाया था, जाओ लखनऊ में धरना करो, जाओ इलाहाबाद में धरना करो, जाओ दिल्ली में धरना करो, जिंदगी में रह करके रख दिया इस सरकार ने। हमको सरकार से बड़ी उम्मीद है, हम सोचते हैं माननीय योगी जी मेरी बात को समझेंगे और जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 3 अरब से भी ज्यादा रुपया सरकार के कोष में अभी भी जमा है 2012 से। 3 अरब रुपया, 300 करोड़ रुपया जमा है सरकार, सिर्फ लाली पाप दे रही है, सिर्फ जुमले छोड़े गए हैं अभी।